राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। इसी के साथ ही नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने उस चर्चा को दरकिनार कर दिया, जिस पर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि उपचुनाव में बेनीवाल आरएलपी से अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। लेकिन बेनीवाल ने सभी कयासों को दरकिनार कर भाजपा से गठबंधन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। बेनीवाल के पार्टी की तरफ से भाजपा के सामने खिवसर से आरएलपी और मंडावा से भाजपा अपना उम्मीदवार उतारे, इसके लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है। हनुमान बेनीवाल ने उपचुनाव पर पहले भी कहा था कि भाजपा से उनका गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित था, लेकिन बेनीवाल ने गठबंधन को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। बेनीवाल शुरू से ही खिवसर से आरएलपी के उम्मीदवार को उतारने का दावा ठोकते आए हैं और उन्होंने कहा था कि मंडावा को भाजपा के लिए छोड़ा जा सकता है। खिवसर और मंडावा विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे और नतीजे 24 अक्टूबर को सामने आएंगे। वैसे आपको बता दें, खिवसर सीट हनुमान बेनीवाल के नागौर से सांसद चुने जाने के बाद और मंडावा सीट भाजपा के नरेंद्र खीचड़ को झुंझुनू लोकसभा सीट जीतने के बाद खाली हुआ है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल 3 बार खिवसर से विधायक चुने गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। यही कारण है कि बेनीवाल खिवसर से अपना ही पार्टी का प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। बात अगर राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की जाए तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में दोनों ही सीटें नहीं जीत पाई थी। यही वजह है कि कांग्रेस दोनों सीटों पर जीतकर अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी। जहां एक तरफ भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर दोनों ही सीट कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। यही कारण है कि दोनों ही पार्टियां जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में हैं। कांग्रेस इस सीट से नेता रामेश्वर डूडी, पूर्व मंत्री हरेंद्र मर्धा और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का नाम चर्चा में है, तो वहीं भाजपा किसी एक नए उम्मीदवार की तलाश में है। एक तरफ गहलोत सरकार पर चुनाव जीतने का दबाव है तो दूसरी ओर बेनीवाल की अग्नि परीक्षा है। देखना होगा कि उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ता है। स्पेशल डेस्क से विपुल माहेश्वरी की रिपोर्ट।